सवा लख तो एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। नमस्कार मित्रों, आज 26 दिसंबर को जिसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था 2022 में, तो बाल दिवस इसके पहले भी मनता था, लेकिन वो कुछ किसी चाचा का जन्मदिन था जिसे उन्होंने स्वयं बाल दिवस करके घोषित कर दिया था और देश के ऊपर थोप दिया था। एनीवे, बाल दिवस मुझे लगता है जो मोदी जी ने जो तारीख इसके लिए अनाउंस की है, काफ़ी चिंतन के बाद उन्होंने यह दिन डिसाइड किया होगा कि इसी दिन बाल दिवस होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को जब इस दिन बाल दिवस रखते हैं और बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या हुआ था इस बाल दिवस के दिन, हम क्यों मनाते हैं वीर बाल दिवस, तो उनको एक प्रेरणा मिलती है, उन्हें एक सही आदर्श मिलता है कि उन्हें आगे जाकर कैसा बनना है। वीर बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं? हमारे भारत के इस वीरता और शौर्य से परिपूर्ण इतिहास में यह दिन हम मनाते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों की स्मृति में। हम दसागे सुना रहे कि एक सिंह सवा लख दे बराबर किवें होता है। उनके दो बड़े पुत्र चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अजीत सिंह जी जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे, 18 वर्ष की आयु थी इनकी, और जुझार सिंह जी जो 14 वर्ष के थे मात्र, ये दोनों चमकौर के युद्ध में लड़ते हुए, युद्ध करते हुए, युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए। और गुरु जी के जो दोनों छोटे बेटे थे, जोरावर सिंह जी जो 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह जी जो 6 वर्ष के थे, इन्हें मुगलों ने पकड़ लिया था अपनी दादी माँ के साथ, दादी माँ गुजरी देवी, वजीर खान और हत्यारे औरंगजेब के आदेशों पर वह इन नन्हे नन्हे बालकों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। मात्र 6 वर्ष और 9 वर्ष की आयु में ये बालक इतने धर्म परायण थे कि इन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। इन्होंने अपनी जान देना, तरह तरह की यातनाएं सहना स्वीकार किया, परंतु धर्म परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया। इतना बड़ा वजीर थे, ऐने नीच। और इन पर बर्बरता करते हुए, क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए, इन नन्हे बालकों को वजीर खान ने हत्यारे औरंगे के आदेशों पर जीवित दीवार में चुनवा दिया। ऐसे राष्ट्र एवं धर्म परायण साहिबजादों को कोटि कोटि नमन। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।